नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम सौंठ पाउडर बनाएंगे। तो सौंठ पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम से ज्यादा अदरक लिया है और अदरक को हम पानी बदल बदल के 2 से 3 बार अच्छे से मसल के धोएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अदरक को मसलती हूँ। इसका पानी भी हमें चेंज करना है, तो 2 से 3 बार अच्छे से इसको धोएंगे क्योंकि अदरक में मिट्टी ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, अदरक को मैंने धो लिया है। अब हम अदरक को छीलेंगे। तो यहाँ पर छिलके निकालने के लिए मैं स्पून का यूज करूंगी। तो देख, आप देख सकते हैं ये है स्पून। इसकी धार जो है वो मोटी है, तो मोटी नहीं, हमें पतली धार वाली इस तरह की जो स्पून होती है उसका यूज करना है। अगर आप स्पून से अदरक को छिलेंगे तो एकदम फटाफट से अदरक छिल जाती है और इसके जो छिलके होते हैं वो एकदम पतले पतले निकलते हैं। आप ये काम चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू से अदरक के मोटे मोटे छिलके निकलते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपको अदरक को किस तरह से छिलना है। तो अदरक को इस तरह से छीलने के बाद आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि अदरक किस तरह से अच्छे से छीलते हैं, चाकू से या स्पून से। तो फ्रेंड, सारी अदरक को इस तरह से मैं छील लूंगी और अदरक को छीलने के बाद हम फिर से इसे 2 बार धोएंगे। तो आप देखना कि पानी कितना गंदा निकलता है। हमने पहले भी अदरक को धोई थी, लेकिन बाद में भी धोनी पड़ती है क्योंकि अदरक में बहुत सारी मिट्टी जैसा चिपका होता है। तो 2 बार मैं इसे फिर से धो लूंगी और 2 बार धोने के बाद हम एक साफ कपड़े पर इसको आधे घंटे के लिए लपेट के रख देंगे ताकि हमारी अदरक ही एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। तो दूसरी बार भी मैं इसको धो रही हूँ। तो इसको मैं लपेट के साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए ताकि हमारी अदरक है एकदम ड्राई हो जाएगी। आप चाहे तो पोंछ भी सकते हैं, लेकिन मैं साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो आप देखना, आधे घंटे के बाद तो अदरक एकदम से ड्राई हो जाएगी। तो आधे घंटे के बाद हम देखेंगे अदरक हमारी एकदम ड्राई हो गई है। अब हम इसको कट लगाएंगे। आप चाहे तो चाकू से एकदम पतली पतली इसकी स्लाइस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पोटेटो स्लाइसर का यूज कर रही हूँ। पोटेटो स्लाइसर सबके पास ज्यादातर मिल ही जाता है, घर में होता ही है, तो इसी से हम इसकी स्लाइस करेंगे। आप चाहे तो ये काम चाकू से भी कर सकते हैं। चाकू से थोड़ी देर लग जाती है और ये स्लाइसर से फटाफट इसकी स्लाइस हो जाते हैं। और आप जितना पतला अदरक को कट करेंगे उतने ही जल्दी से ये थोड़े दिनों में सूख जाते हैं। अगर आप मोटा मोटा इसको कट करेंगे तो ये सूखने में थोड़ा दिन ज्यादा लग जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम पतली पतली स्लाइस रेडी हो गई है। तो सारी अदरक को मैं इस तरह से स्लाइस कर दूंगी। चाकू से भी आप इसको कट करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास स्लाइसर है, पोटैटो स्लाइसर, तो आप इसका जरूर यूज करें। तो सारी अदरक की मैंने स्लाइस कर ली है। अब हम इसको सुखाएंगे। तो इसको कपड़े पर कभी ना सुखाएं। अगर आप इसको कपड़े पे सुखाएंगे तो अदरक का जो पानी होता है, रस होता है, वो कपड़ा सोख लेगा। तो अदरक एकदम क्या है, लाइट बनेगी, मतलब कि इसका टेस्ट में फर्क आ जाएगा। अदरक का जो पानी होता है ना, उसको हम सुखाएंगे तो वो अच्छे से सूख जाता है। तो इस तरह से एक थाली के बीचों बीच मैंने स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर मैंने छन्नी रख दी है। छन्नी के अंदर हम इस तरह से अदरक को फैलाएंगे और छन्नी को अदरक से भर नहीं देनी है, वरना काफी दिन लग जाते हैं इसको सूखने में। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके हम इसको डालेंगे और 2-3 छन्नी में इस तरह से हम सुखाएंगे। और ये क्या है, मैंने स्टैंड बीच में इसलिए रखा है कि इसको नीचे से भी अच्छे से हवा मिलती रहे। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं सुखाएंगे क्योंकि हवा तेज होती है और हवा से धूल मिट्टी इसके ऊपर आके चिपकती है, तो जिंजर पाउडर में मिट्टी आ जाती है। तो हम इसको एक कपड़े से लपेट के इस तरह से क्लिप लगा देंगे ताकि कपड़ा पवन से हिले भी ना। अगर हम छत पे रखेंगे तो पवन तेज होती है तो कपड़ा तो निकल जाता है, इसलिए मैंने ये क्लिप लगाई है।
तो अब मैं इसको छत पे सूखने के लिए रख दूंगी। इस तरह से मैं 2-3 छन्नी में रखूंगी, ऐसा नहीं कि एक ही छन्नी में आ गई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 वीक लग गया है और एकदम फटाक से टूट जाता है, एकदम बढ़िया सी ये सूख गई है। तो आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में ऐसे ही स्टोर करके रख दें और जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप इसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। और आप सारी ये जिंजर पाउडर है सूखी हुई, सॉरी ये सूखा हुआ जो जिंजर है अदरक, उसको पीस के बटर में भर के भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैं इसका पाउडर बना के आपको दिखाऊंगी। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही रख सकते हैं। तो इसका पाउडर बना के इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम इसको छान लेंगे। और इसका जो छानने के बाद मोटा मोटा बच जाता है उसको आप फिर से मिक्सी जार में डाल के पीसे और फिर से इसको छान लें। और लास्ट में जो छन्नी के ऊपर मोटा मोटा बच जाता है उसको आप चाय में डाल के यूज़ करें, इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है। जो मोटा मोटा बच जाता है इसका आप चाय में डाल के भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से मिक्सी जार में डाल के पीसूंगी और फिर से इसको छान लूंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये जिंजर पाउडर बनाने की रेसिपी अगर पसंद आती है, सौंठ पाउडर की रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।